एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज आकाश आनंद उनका स्पीच में ये डिमांड कर दी है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उनका डिमांड है। आकाश आनंद राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में राहुल गांधी चुप्पी क्यों है। खड़गे जी का गांधी और नेहरू का बयान में आकाश आनंद भड़के। आकाश आनंद जी कांसीराम जी का चमचा युग का याद दिलाए। रिजर्वेशन मामले में सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ को रिमूव करने के लिए सोशल मीडिया में मांग उठ रहा है। दिलीप मंडल उनका एक्सहैंडल में लिखते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ को हटाना आवश्यकता है। डीवाई चंद्रचूड़ का फैमिली पेशवा ब्राह्मण है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आज आकाश आनंद रिजर्वेशन के मामले में सोशल मीडिया में मुखर होकर ये बताते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया जा रहा है। लगातार जुडिशियरी का द्वारा, कभी जुडिशियरी का द्वारा, कभी कभी लेजिस्लेचर को द्वारा रिजर्वेशन के मामले में और रिजर्वेशन एक्ट को हमला किया जा रहा है। मैक्सिमम टाइम भारत का जुडिशियरी रिजर्वेशन के खिलाफ ही जजमेंट दिए हैं। चाहे प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जब भी प्रमोशन इन रिजर्वेशन का मामला आया के नागराजुन केस में, नागराजुन केस में प्रमोशन इन रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये उसी दिन से अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रमोशन इन रिजर्वेशन प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। आकाश आनंद इसीलिए ये डिमांड करते हैं, रिजर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारा मांग है रिजर्वेशन एक्ट को 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल क्या होता है? 9वीं अनुसूची का मतलब है एक बार वो अनुसूची में चले जाने से उनको अमेंडमेंट किया नहीं जाता और परिवर्तन हो नहीं सकता। जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हक कर अधिकार है, तमाम हक कर अधिकार को 9th शेड्यूल में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्ट बार बार कभी जुडिशियरी का हमला छेल को फेस करना पड़ रहा है, कभी लेजिस्लेचर का हमला को फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हक कर अधिकार और रिजर्वेशन को सुरक्षित रखने के लिए 9th शेड्यूल में डालने से इनको कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकती। ये आकाश आनंद जी का बयान है। आकाश आनंद उनका स्पीच में बताते हैं, राहुल गांधी जी जब वोट मांग रहे थे लाल किताब लेकर, संविधान खतरे में बोलकर, गांव-गांव घूमकर संविधान बचाने के लिए वो वोट मांग रहे थे। आज रिजर्वेशन एक्ट को डाइल्यूट किया गया है, फिर राहुल गांधी जी क्यों इनको बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं? यानी गांधी परिवार 1947 से अभी भी हमको ठग रहे हैं, ये बात सामने आ रहा है। यानी कैसे बहुजन समाज को बार बार ठगा जा रहा है। जब ये बात आया तो राहुल गांधी मीडिया के सामने नहीं आके खड़गे जी को यूज किया गया है, और खड़गे जी को जबरन ये बोलने के लिए बताया गया, रिजर्वेशन अंबेडकर नहीं गांधी और नेहरू ने दिए हैं। ऐसे बातों को टिप्पणी करते हुए आकाश आनंद बताते हैं कि जो लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं, मनुवादियों का गौदी में बैठ जाते हैं और कुछ फायदा पाने के लिए इनको चमचा युग का साथ तुलना किए हैं। कांसीराम जी चमचा युग लिखते हैं, चमचा युग में जो मनुवादी पार्टी का गोदी में बैठकर उनका हाथ जी हजूरी करते रहता है,
और अपने सोसाइटी और बाबा साहेब के खिलाफ जाता है, ऐसे लोगों को चमचा युग के साथ कंपेयर किया गया है। यानी आज सीनियर व्यक्ति होके भी खड़गे जी इतना बड़ा झूठ समाज के सामने ला के पुरुष है, गांधी और नेहरू को द्वारा भारत में रिजर्वेशन हुआ है। साथियों, असलियत ये है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अक्लांत परिश्रम और उनका संघर्ष, कड़ी संघर्ष के फलस्वरूप आज बहुजन समाज को जो भी मिला है बाबा साहेब का देन है। गांधी और नेहरू ये दोनों कभी नहीं चाहते थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को रिजर्वेशन मिले। सिर्फ ही सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर अकेला ऐसा एक व्यक्ति था जो SC ST OBC का उत्थान के लिए पार्लियामेंट में लड़े थे और लड़कर वो दे दिए है। लेकिन खड़गे जी कैसे इतना झूठ बा भारत को बताए, ये बात किसी को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए आकाश आनंद उनका स्पीच में बताते हैं, ये चमचा है, ऐसे लोग चमचे हैं, चमचों से बचना बहुत जरूरी है। साथियों, DY चंद्रचूड़ का साथ मिलकर जो 7 जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का 7 संविधान खंडपीठ ने जो जजमेंट दिए हैं, उस जजमेंट को बहुजन समाज हजम कर नहीं पा रहे हैं। आज सोशल मीडिया में ये खबर वायरल हो रहा है कि चंद्रचूड़ जी को हटाना है, चंद्रचूड़ जी को हटाना बहुत जरूरी है, ऐसे बात लिखा जा रहा है हर कोई सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल में। उस जजमेंट में ये लिखा गया है, स्टेट को पावर दिया गया है SC ST का क्लासिफिकेशन के बारे में, स्टेट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 341 एंड 342 के तहत जो अधिकार मिला है, इससे अधिकार को स्टेट कभी भी टच कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस होके ही कानून बनता है, स्टेट को ये अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टेट को ये अधिकार दे दिया है, स्टेट ऐसा अधिकार को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब वो अपना मनमानी करेगा पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। ये डर समाज के लिए खतरा होगा और खाई पैदा होगा। जब SC ST लोग सब क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, उनके बीच में खाई पैदा हो जाएगा और भाई भाई का खिलाफ चला जाएगा। ऐसे जजमेंट देश हित में नहीं। प्रोफेसर दिलीप मंदार उनका ट्विटर एक्स हैंडल में लिखते हैं, DY चंद्रचूड़ साहब को CJI से हटाना चाहिए, क्योंकि वो SC ST विरोधी और संविधान विरोधी जजमेंट दिए हैं। दिलीप मंडल जी ये भी लिखते हैं, DY चंद्रचूड़ एक पेशवा ब्राह्मण है, 1818 भीमा कोरेगांव को याद करवाते हुए दिलीप मंडल कहते हैं, वही पेशवा है जो पेशवा बहुजन समाज को, दलित समाज को सड़क पर चलने के लिए अधिकार नहीं दिए थे, गले पर मटकी और पिछवाड़े में झाड़ू बांध कर घुमा रहे थे। यही पेशवा बहुजन समाज को दिन का 2 बजे 1 बजे 12 बजे ही बाहर निकलने के लिए अनुमति दिए थे। ऐसे पेशवा वंशजों के बारे में दिलीप मंडल जी उनका एक्स हैंडल में बताते हैं, और पूरा भारतवर्ष में ये डिमांड गूंज रहा है, हर हाल में CJI को हटाना है, क्योंकि वो SC ST OBC विरोधी है और संविधान विरोधी है। साथियों, आज ऐसा स्थिति आ गया है बहुजन समाज को, SC ST रिजर्वेशन एक्ट खत्म हो गया और सब क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब बहुजन समाज SC ST OBC समाज का जिंदगी खतरे में आ जाएगा। जो भी कुछ आज मिला है बहुजन समाज को, सिर्फ रिजर्वेशन की बदौलत। आज रिजर्वेशन नहीं होता तो बहुजन समाज 2 वक्त का रोटी के लिए तरसता। कुछ भी समाज में आज रिवोल्यूशन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सिर्फ रिजर्वेशन की बदौलत। बाबा साहेब का ये सपना था, लेकिन आज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कैसे 7 जज ने सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का सहारे में आकर 7 जज 6-1 से फैसला दे दिए है। ये फैसला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है, जो कि भारत का संविधान आर्टिकल 341 एंड 342 के खिलाफ है। भारत का संविधान का मूलभूत ढांचा को ये आघात दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को चूर चूर करने की ये एक प्रयास है। बहुजन समाज 21 अगस्त को सड़क पर आने वाले है, क्योंकि उनका हक कर अधिकार को बचाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बिना लड़ाई से आज तक बहुजन समाज को कुछ नहीं मिला। इसीलिए हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त ये कहा करते थे, एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज। हम लोगों को ऑर्गेनाइज होकर रहना है, शिक्षित बनना है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है। आज संघर्ष करना बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष से बहुजन समाज को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन बहुजन समाज का संघर्ष इतिहास गवाह है, नॉन वायलेंस एंड पीस है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।